अरे भाई ये डरती है यार, फंसाया बहुत अच्छा था तभी तो मैंने बाहर निकाला, मेरी गोदी में आ गया, ये चुप हो गया। शायद इसका पापा है या भाई है, पता नहीं वो कौन है। वो पानी लाने गए और ये मेरे हवाले करके गए। उस गाड़ी के अंदर था ये बच्चा और कोई नहीं है। मज़ा नहीं आ गया, इसको पीछे जान निकलती है थोड़ा सा बाइक पकाने से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं टूलिप गार्डन। मैं अभी मुजम्मिल का वेट कर रहा हूँ, गोप्रो और हेलमेट उसी के पास है। वो कार से वहाँ से टर्न करके आ रहा है, तो फिर उसके बाद देखते हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स भी आएंगे, उनके साथ भी शायद व्लॉग शूट करेंगे। अब देखते हैं कहाँ पर मिलेंगे हम सब। तो गाइस फाइनली वैसे अपने 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए। थैंक यू जितने भी भाई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आज हमारा मूड बन गया कहाँ जाने का, पता है, टूलिप गार्डन जाने का, क्योंकि बाद में वहाँ पे फूल बिखर जाते हैं तो वैसा मज़ा और वैसा फ़ोटोज़ बाद में वैसे फ़ोटो बाद में नहीं आते जैसे अभी आते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम फ्री हैं, तो सोचा कि आज जाएंगे। कहाँ गया यार, आ रहे पीछे से आ रहे। तो अमर सिंह कॉलेज को बिल्कुल वही ख़राब कर दिया है जितना पहले था, अभी नहीं है। यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ से हमें नज़दीक पड़ेगा, उस तरह हमें बहुत ही ज़्यादा लेट पड़ेगा। तो यहाँ से चलेंगे सीधे। ये देखो भाई वो किधर से गया, उल्टा गया मुजम्मिल, उल्टा चला गया यार। देखते हैं हाथ आएगा कि नहीं, वैसे पूछ गया भाई मैं। ये उल्टा चला गया, मैं इसको सिग्नल दे रहा हूँ बट ये दिखाई नहीं दे रहा है इसको। कुत्ते को अपनी यहाँ से नहीं जाना चाहिए बस, अगर यहाँ से गया तो फिर तो भाई हमें पूछना चाहिए। नहीं उधर से नहीं जाना। घबरा हो, राजबाग साइड में बोल सकता हूँ और फुटब्रिज भी बोल सकता हूँ। तो अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए। ये पता नहीं कहाँ से भाग गया था भाई, अभी बाइक थोड़ी स्पीड चलाई तभी तो ये रुक गया, वरना ये सीधे गोनीखान से निकला था। गोनीखान से जा भी नहीं सकते वैसे, यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है भाई। अभी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना, यहाँ से पहले इतना नहीं हुआ करता था, अभी तो एकदम मस्त दिखता है, मस्त। अभी मुजम्मिल अच्छी खासी स्पीड चला रहा है गाड़ी को। ये मॉल जो है ना, यहाँ पे इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं ट्रेंड्स, बराबर ये राजबाग के साथ ही पड़ता है। यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अभी ये सारे टूरिस्ट जाएंगे, मुझे लगता है ये सीधे जाएंगे टूलिप गार्डन, क्योंकि अभी टूलिप गार्डन खुला हुआ है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं संडे मार्केट। अभी थोड़ी देर यहाँ पर कार रखेंगे और बाइक भी वहीं पर साथ में रखेंगे। क्या पार्किंग करता है भाई गाड़ी, माँ कसम। तो गाइस फाइनली मैंने नमाज भी पढ़ लिया भाई आज। मेरी फ्रेंड एक है, उसने मुझे DM किया था, तो बोल रहे हैं आज कहीं घूमने जाएंगे, तो शायद मुझे उसी का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, बोल तो रही है मैं यही साइड से हूँ, मुझे नहीं पता अब कहाँ पे है वो। बोले लेफ्ट साइड से हूँ, शायद यहीं कहीं होगी। से टूलिप गार्डन ही चले गए क्योंकि ये टूलिप गार्डन जो है वो एक ही 2 मंथ्स के लिए ओपन होता है, बाकी फिर पूरे साल ये बंद होता है। और वहाँ पे इतने प्यारे फूल उगते हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, माशाल्लाह कुछ खूबसूरती कुछ अलग ही दिखती है भाई वहाँ से। तो अभी मैं पूछा फाइनली क्या बोलते हैं इसको, नेहरू पार्क। एक चीज़ है गाइस, आज बाइक भगाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम दिखने को मिल रही है तभी तो, वरना यहाँ से इतनी ट्रैफिक होती है भाई बाइक भगा ही नहीं सकते। देख लो भाई व्यू डलगेट को, एकदम मस्त नज़र आ रहा है, एकदम कड़ाकी धूप और माहौल भी गर्मा गर्म, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्वाद है भाई, कसम से स्वाद है, बाइक पे कुछ अलग ही मज़ा आता है। लास्ट टाइम में हम यहाँ से आए थे तो हमें पूरा दिन लग गया था, पूरा दिन क्या मतलब, रात के 12 बजे हम घर पहुँचे थे,
बहुत ही गंदी वाली ट्रैफिक थी तब। गाइस रश देख लो भाई, कितनी ज़्यादा रश है। अभी मैं वो लोग कार से वहाँ पे गए, मुझे नहीं पता शायद हम अंदर ही मिलेंगे, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा रश है भाई, अब पता चलेगा अंदर जाके कि भाई फूल कितने अच्छे हो। पेड देखो भाई टूलिप गार्डन का, वेलकम टू टूलिप गार्डन। वाव आगे जाएंगे, वैसे मेरे पीछे देख लो खाली खाली कोई फूल नहीं है। अब जो भी आना चाहता है कुछ टाइम के बाद आ जाना भाई, जल्दी नहीं आना हुजूर, में आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे जैसे मेरे हो गए। जब बहुत मत सजाए भाई, सजाने में कोई कमी नहीं लगती है। ये देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से सजाया है। तो हम करते हैं यहीं पे वेट जब तक वो आएंगे, अभी पता नहीं वो सारे किधर हैं, तब तक हम यहीं पे वेट कर लेंगे। अब मैं यहीं पे रेस्ट कर लूँगा भाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गया, जब तक वो आते हैं मैं यहीं पे रेस्ट कर लूँगा। मैं जैकेट वैकेट निकालूँगा, वैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे डबल गर्मी है। आवाज़ बहुत कम ही निकल रही भाई, पता नहीं क्यों बहुत धीमी आवाज़ आ रही है मेरी। हो अभी फूल उगे ही नहीं भाई, कोई भी मत आ जाना टूलिप गार्डन, अपना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी, अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगली बार जब चक्कर लगेगा तब दिखाएंगे आप सबको अच्छे से, अभी तो बिल्कुल भी कोई फूल नहीं निकला है भाई, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है देख सकते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे फूल बिल्कुल है नहीं भाई, कहीं से भी कुछ नहीं दिखता, पूरा सुनसान। एंड अभी पता नहीं बहुत टाइम लगेगा, मतलब फूल है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल फूल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ खाली खाली है, खाली। अब जो भी आना चाहता है कुछ टाइम के बाद आ जाना, वैसे अभी वैसे भी जल्दी नहीं आना, अभी टाइम नहीं है, 10-15 दिन के बाद आ जाना। वाह अभी मैं वापस ही जा रहा हूँ घर की ओर, बहुत टाइम तक यहीं पे बैठा हुआ था, बिल्कुल मज़ा नहीं आ गया भाई, फूल बिल्कुल है नहीं, खाली खाली सब कुछ। अब जब फूल निकलेंगे तभी आएंगे और आप सबको अच्छे से दिखाएंगे, अगर जिसको भी आना है तो अभी नहीं आना। तो गाइस अभी हम निकलेंगे यहाँ से पार्क से, अभी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और रील्स भी बनाए, तो अभी हम निकलते हैं सीधा भाई, इतना मज़ा नहीं आया जितना हमने सोचा था। अभी कल क्या पता इसको घर जाना होगा, तो हमारी लास्ट मीटअप रहेगी ये मैं और मुजम्मिल भाई की। तो अभी हम फाइनली निकल चुके हैं, अभी मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, तो देखते हैं, मैंने सोचा ही मुझे कर रहे हैं हाय हाय हाय। तो यहाँ से देख सकते हो कितने ही ज़्यादा टूरिस्ट हैं, अभी जा रहे हैं भाई, आ नहीं रहे हैं, अभी लोग जा रहे हैं। हो बड़े मज़े से सॉफ्टी खा रहे हैं। चलो भाई मेरा नमाज का टाइम भी आ गया, तो 5:20 पे नमाज भी स्टार्ट है। वाह भाई क्या मज़ा है। मुजम्मिल को बोला था हम गुफ्कार से निकलेंगे, बट वो वहाँ से निकला नहीं, तो अभी देखो भाई कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट वाला आए हैं बाहर से टूलिप गार्डन देखने के लिए, वैसे अभी सीज़न आ गया तो आप सब देख सकते हो यहाँ से कितनी ही ज़्यादा रश है भाई। यहाँ पे अब तो 4 चांद फिर से लग गए जिसको मैं बोलूँ, टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, जब भी मैं यहाँ से आता हूँ कम 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 फिर एकदम से हाई हो जाते हैं भाई टूरिस्ट। तो चलो भाई ये अपनी अपनी कश्मीर खूबसूरत है तभी तो लोग आते हैं, वरना क्यों आते हैं। अभी गुलमर्ग में भी अच्छी खासी बर्फ़ है तभी तो लोग वहाँ पे भी जाते हैं। अभी बस सीधा घर जाएंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 5 यहीं पे बज गए, तो अभी क्या टाइम बचा उधर, हमें कुछ 1.5 घंटा शायद 1.5 घंटा बचा, तो उससे हमें क्या होगा भाई। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी के लिए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना और सपोर्ट अपना कंटिन्यू रखना, जैसे सपोर्ट करते हो वैसे करते रहना भाई।